અને હવે જુઓ ચક્રવ્યૂહમાં ચોકસી। पंजाब नेशनल बैंक साथे करोड़ों नु कौभांड आचरनार मेहुल चोकसी ने डोमिनिका कोर्ट तरफ थी मोटो झटको मळ्यो छे। कोर्टे तेनी जामीन अरजी फगावी दीधी छे अने प्रत्यार्पण नी विरुद्ध मां करेली अरजी पर कोर्टे चुकादो अनामत राख्यो छे। आजे चुकादो आवे तेवी शक्यता छे। मेहुल चोकसी नी डोमिनिका पोलीसे धरपकड़ कर्या बाद तेने कोर्ट मां रजू करवामां आव्यो। कोर्ट मां डोमिनिका सरकारे कह्युं छे के मेहुल चोकसी ने भारत ने सौंपवामां आवे। कोर्टमां सुनावणी वेळाए ईडी अने सीबीआईनी टीम पण हाजर रही हती, जो के कोर्टे चुकादो अनामत राख्यो छे। कोरोना महामारीने कारणे झूम एप्लिकेशन द्वारा मेहुल चोकसीना प्रत्यार्पण अंगे सुनावणी हाथ धरवामां आवी हती। मेहुल चोकसीए प्रत्यार्पणनी विरुद्धमां अरजी करी छे, जो के डोमिनिका सरकारे दलीलो करता कह्युं हतुं के मेहुल चोकसीनी अरजी सुनावणीने लायक ज नथी अने तेने तात्कालिक भारतने सौंपी देवामां आवे। सुनावणी पहला मेहुल चोकसीना वकील विजय अग्रवाले कह्युं हतुं के मीडिया रिपोर्टमां दावो करवामां आव्यो छे के मेहुल चोकसीना भाई डोमिनिकाना विपक्षना संपर्कमां छे। आ एक अफवा छे, તેઓ કોઈના સંપર્કમાં નથી। તેઓ માત્ર મેહુલ ચોકસીના સ્વાસ્થ્ય અંગેની જાણકારી મેળવવા માટે જ આવ્યા હોવાની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી। બીજી તરફ મેહુલ ચોકસીના પત્ની પ્રીતિ ચોકસીએ દાવો કર્યો હતો કે મારા પતિએ સ્વાસ્થ્ય સંબંધી અનેક સમસ્યાઓ છે। તેઓ એન્ટીગુઆના નાગરિક છે અને બારબુડાના બંધારણ અંતર્ગત દરેક અધિકાર અને સુરક્ષાનો લાભ લેવાનો તેમને હક છે। પ્રીતિએ કહ્યું કે મને કેરેબિયન દેશોના કાયદા પર પૂરો વિશ્વાસ છે। અમે મેહુલની સુરક્ષા અને ટૂંક સમયમાં એન્ટીગુઆ વાપસીની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા છે, તેમ પણ પ્રીતિ ચોકસીએ કહ્યું। આ સાથે મેહુલ ચોકસી ભારતમાં કૌભાંડ આચરી એન્ટીગુઆ જતો રહ્યો હતો, જ્યાંથી બાદમાં તે થોડા દિવસો પહેલા જ ગુમ થયો હતો અને ડોમિનિકામાંથી પોલીસને મળી આવ્યો છે। આ તરફ મેહુલ ચોકસીને ભારત લાવવાના ભારતીય એજન્સીઓના પ્રયત્નો ચાલુ છે। મેહુલ ચોકસીના પત્ની સાથે ટીવી 9 એ ખાસ વાતચીત કરી। મેહુલના પત્ની પ્રીતિ ચોકસીનું કહેવું છે કે મેહુલને ભારત લાવવા ભારતીય એજન્સીએ આખું ઓપરેશન કર્યું છે અને બાર્બરા નામની યુવતી અને અન્ય ભારતીય વ્યક્તિઓ દ્વારા મેહુલનું અપહરણ કરાઈને ડોમિનિકા લઈ જવાયો હતો। આપસે મારા પહેલા સવાલ યે હે કે દેખિયે એક લગાતાર સવાલ ઉઠ રહા હે। मेहुल चोकसी जो एंटीगुआ से और डोमिनिका पहुंचे हैं, एक मिस्ट्री गर्ल की बात आ रही है कि एक कोई लड़की है जो उनको जिसके साथ वो गए थे। आप उनकी पत्नी हैं, आपके पास एग्जैक्ट जानकारी क्या है, हुआ क्या था? वो शाम को डिनर के लिए जा रहे थे, घर से 5-10 को निकले हैं और वो पिकअप करने के लिए गए। ये लड़की वो कॉल्ड बाबरा, उनको पिकअप करने के लिए वो कभी कभी उनके साथ चलती थी। वो आंटी का एक एक वीक के टाइम के लिए आती थी कभी और अलग अलग जगह पे रहती थी। एक दफा हमारे सामने रही थी, हमारे सामने के घर में, और वहां पे वो माय हस्बैंड वुड गो फॉर अ वॉक और वो भी साथ में ज्वाइन हो जाती थी। तो ऐसे वो लोग वॉक के लिए जाते थे और वो ऐसा उन्होंने बताया कि वो कुछ रेनोवेशन वो इंडस्ट्री में है एंड उसका बॉस घर ढूंढ रहे हैं। सो वो माय हस्बैंड वेंट टू पिक हर अप और वो गाड़ी में ही थे माय हस्बैंड, और वो बाहर आई और बोले एक सेकंड आएंगे, मेरे को कुछ दिखाना है, ये घर हम सोच रहे लेने के लिए। तो माय हस्बैंड गाड़ी रनिंग थी, गाड़ी में चाबियां थी, सब कुछ था, घर की चाबी भी थी। वो निकले गाड़ी में से और गए अंदर वो घर में और वहां पे दिस पीपल केम इन फ्रॉम टू साइड फ्रंट एंड बैक और उनको मारा पीटा और टाई अप किया, गैग किया मुंह में, वो प्लास्टिक का वो गैग डाला और एंड उनको व्हील चेयर के साथ टाई अप किया। प्रीति आप जो बात बता रही हैं, यही हम समझना चाह रहे हैं कि मारने पीटने का मोटिव क्या आपको लग रहा है, पहली बात, और दूसरी बात इस लड़की की क्या भूमिका थी, बारबरा जिसका आपने नाम लिया है, इस पूरे ये जो कुछ हुआ है इसमें इसका क्या रोल था आपकी जानकारी में? So, मारने पीटने का आपने पहला पूछा, ऑब्वियसली उनको अगवा करने के लिए, राइट? वो लोग को उनको ले जाना था कहां, और वो बाबरा लेडी क्या है, उन्होंने उनको बुलाया घर के अंदर और वो लेडी फिर एंटीगा से निकल गई।
नेक्स्ट वो नाइट को या नेक्स्ट डे को पुलिस के पास वो गई नहीं है कि ऐसा हुआ, क्योंकि आवाज तो बहुत हुआ, 8 लोग आएंगे घर में। पुलिस स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग इमीडिएटली 12 बजे से। तो वो लड़की जो इन्वॉल्व नहीं होगी तो वो क्यों आगे आई नहीं है? प्रीति चौधरी की नजर में ये क्या इंडियन एजेंसी का ऑपरेशन है जो उनको अगवा किया गया? 100% इंडियन एजेंसी ने आपकी आपके पति को अगवा कराया, आप ये कह रही हैं एक लाइन में अगर समझे तो? 100% बिकॉज जो हिसाब से उनका किडनैपिंग का रिपोर्ट डोमिनिका में नहीं लिखा, किडनैपिंग इज एन इंटरनेशनल क्राइम, डोमिनिकन पुलिस ने क्यों नहीं लिखवाया ये रिपोर्ट?